एपेक्स कोचिंग में स्वागत है और इस कोचिंग के माध्यम से हम हिंदी भाषा आज जो चर्चा करनी है, हिंदी भाषा और साहित्य में हम लोगों को क्या पढ़ना है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे यह जानना जरूरी है। आप भाषा भाष धातु से बनी है जिसका अर्थ है वाणी या बोलना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम अपने भावों और विचारों को लिख कर अथवा बोल कर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। यह भाषा तीन रूपों में होती है, सांकेतिक रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा का जो भाषा के बारे में हमें जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। संस्कृत साहित्य में कहा गया कि अक्षरम नक्षरम इत्यादि अश्नु देवा सरोक्षरम। अक्षर या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र है, जिनका खंड नहीं किया जा सकता और जो सार्थक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले वर्ण आ गया भाषा में और दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं और जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बनकर के आता है तो उसे वर्ण कहते हैं। तो ये भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, हमने ये टॉपिक पढ़ लिए है। आज हमें जो पढ़ना है वो पद विचार पढ़ना है। तो पद का अर्थ होता है जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बनकर के आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और ये पद के पांच भेद होते हैं, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रिया पद, विशेषण पद और अव्यय पद। अब हमें यहाँ जानना चाहिए कि जब कोई भी वाक्य बनता है, कोई भी वाक्य का स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें कर्ता क्रिया कर्म की प्रधानता होती है। हमने वाक्य विचार में एक टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी वाक्य में या तो कर्ता की प्रधानता होती है, या तो क्रिया की प्रधानता होती है, या तो कर्म की प्रधानता होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम जब भी कोई वाक्य का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ये देखना होता कि उसमें संज्ञा किस रूप में है, उसका सर्वनाम किस रूप में है, क्रिया विशेषण और अव्यय कैसे है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा का अर्थ है सम जमा ज्ञान। संज्ञा सम जमा ज्ञान अर्थात समान रूप से ठीक ठीक याद कराने वाले तत्व को संज्ञा कहते हैं। कई बार आप परीक्षाओं में देखते हैं, किताबों में देखते हैं कि संज्ञा को हम कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दरअसल ये संज्ञा की परिभाषा है। हम किसी भी विषय को बांधने का काम करते हैं, हमें बांधने से आवश्यक है ये समझना कि दरअसल संज्ञा क्या है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम जमा ज्ञान, समान रूप से ठीक ठीक ज्ञान कराने वाले तत्व को संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं ये पेन कह रहा हूँ तो इस पेन का मतलब पेन ही होता है। दुनिया में कोई भी आदमी जब आप इसे पेन कहेंगे तो ये पेन ही समझेगा। अगर ये बोर्ड है और इस बोर्ड को आप दुनिया में कहीं भी कुछ करेंगे तो ये बोर्ड ही कहा जाएगा, कुछ और नहीं कहा जाएगा। तो संज्ञा का मतलब हो गया सम जमा ज्ञान, समान रूप से ठीक ठीक ज्ञान कराने वाले तत्व को संज्ञा कहते हैं। अब दरअसल सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए संज्ञा के मुख्य रूप से तो तीन ही प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये जो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जाति में दो भाग विभाजित कर दिया जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जहां किसी समूह का हो, जैसे सेना, टुकड़ी, ये क्लासरूम है ना, ये सब